हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू नीट पीजीटी सीरीज मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com तो बच्चों आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द तो प्रीवियस ईयर फ्रॉम द चैप्टर एवोल्यूशन तो इस चैप्टर से पिछले सात सालों में लगभग कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं द नीट एग्जाम आज हम डिस्कस करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम लेट्स गेट तो बच्चों आ चुकी है हमारी स्क्रीन पर हमारे आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम जो कि पूछी गई थी नीट 2018 में आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के जो फोर लिम्स हैं उनमें मिलने वाली बोन्स के स्ट्रक्चर में जो सिमिलैरिटी है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है क्लियर चलो ऑप्शन है ऑप्शन ए होमोलॉजी ऑप्शन बी एनोलॉजी ऑप्शन सी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या फिर ऑप्शन डी अडेप्टिव रेडिएशन कमॉन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आप सभी को याद होगा ये सारे के सारी चीजें हमें बता रही हमने पढ़ा हुआ अभी है ये एग्जाम्पल याद करो ये क्वेश्चन है एक्चुअली फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी यस आप सभी ने सही गेस किया द करेक्ट आंसर इज होमोलॉजी याद है आप सभी को हमने पढ़ा था कैसे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं खास करके ऑल मैमल्स जिसमें देखो आपके बैट्स हो गए वेल्स हो गए चीता हो गया ह्यूमन बींगस इनफैक्ट इन सभी के फोर लिम्स में आपको सेम यू नो बेसिक प्लान देखने को मिलेगा ऑफ द बोन स्ट्रक्चर सभी के पास आपको ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पल्स मेटाकार्पल्स मेटाकार सब देखने को मिलती हैं सारी बोन्स मिलती हैं तो इन सभी का आपको क्या दिख रहा है ऑल दो ये अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज हो रहे हैं बट इनका सभी का एक बेसिक प्लान है सभी का एक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है और सभी का सभी का

क्लियर ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन ऑप्शन बी सोल्टेशन ऑप्शन सी फिनोटिपिक वेरिएशन या फिर ऑप्शन डी माइनर याद कीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूगो की की जिन्होंने प्रपोज थी द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन राइट सो आप सभी को याद होगा ह्यूगो ह्यूगोडेज ने अपनी इस थ्योरी में बताया था कि जो स्पीसीशन है नई स्पीशीज का जो बनना है ना वो एक्चुअली एक लार्ज यू नो सिंगल स्टेप म्यूटेशन की वजह से आकर करता है और उन्होंने उसको नाम दिया था सोल्टेशन याद है आप सभी को according, mechanism of evolution को तो जो में करता है। क्या होता था जल्दी से लिख लो भी यहां पर लिख भी लीजिए सी यहां पर सोल्टेशन बताता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस तो एक सिंगल स्टेप में जो म्यूटेशन होगा वो इतना लार्ज होगा इतना डायरेक्शन लेस होगा इतना रैंडम होगा कि वे ऑल टुगेदर एक नई स्पीसीज फॉर्म कर देगा सो हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री को द क्वेश्चन सेज अमंग सेट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन तो देखो बच्चों यहां पर आपको कुछ सेट ऑफ यू नो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो गलत है मतलब वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो नहीं करता है अब इतना लॉजिक आपको याद रखना है लगाना ही है पहले से कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को कौन शो करते थे यस होमोलोगस ऑर्गन याद है आप सभी को सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वॉज शोन बाय होमोलोगस डाइवर्जेंट का मतलब आप जानते हो ना, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उनका बेसिक प्लान सेम होने वाला था ठीक है बट अलग अलग यू नो इकोलॉजिकल कंडीशन से एक्सपोजर की वजह से इन सभी ने अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए तो इसका मतलब क्या हुआ इस तरीके से इनका ओरिजिन तो सेम है, बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सेम है, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन सो एक्चुअली ये क्या हो रहा है एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है डाइवर्ज कर रहे हैं अपने बेसिक प्लान से दीज पर्टिकुलर ऑर्गन टू डिफ़रेंट एनवायरमेंटल कंडीशन राइट सो यहां पर हमें होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल देखने होंगे जो कि करेक्ट हैं और वो फाइंड करना होगा जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन ही हमें फाइंड करना है राइट right? क्वेश्चन में और हमसे बोला जा रहा है डायवर्जेंट एवोल्यूशन जो नहीं शो कर रहा है राइट right? तभी तो वो इनकरेक्ट हुआ तो यहां पर हम फाइंड करेंगे उस ऑप्शन को जो कि होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है तो देखो फोर लिम्स ऑफ मैन बैटन चीता आप सभी को पता है फोर लिम्स ऑफ जैसे कि मैन बैटन चीता लिखा हुआ है दे ऑल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान मतलब क्या हुआ देवर ऑल होमोलोगस ऑर्गन्स और अगर वो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे मींस तो हमें तो करेक्ट सेट फाइंड करना मैन एंड देन ऑप्शन भी बोला है ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता सो याद कीजिए मैंने आपको और एग्जांपल्स में बताया था जो ब्रेन एंड हार्ट है ऑफ द वर्टिब्रेट्स लाइक

डिफरेंट इशूज उनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट इशूज से हुआ है बट वो परफॉर्म सेम फंक्शन ही करते हैं दैट इज टू इंश्योर द विजन तो इसका मतलब क्या हुआ

म्यूटेशन की वजह से राइज करते हैं वो इनमें से कैसे होते हैं ऑप्शन ए स्मॉल एंड डायरेक्शनल ऑप्शन बी स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस ऑप्शन सी रैंडम एंड डायरेक्शनल या फिर ऑप्शन डी रैंडम एंड डायरेक्शन लेस तो याद कीजिए यहाँ पर म्यूटेशन से होने वाले जो वेरिएशन उनको उन्होंने नाम दिया था सोल्टेशन याद है और सोल्टेशन में जितने भी म्यूटेशन हो रहे थे देवर लार्ज

क्लियर ओके अब देखो रैंडम रैंडम एंड डायरेक्शनल डायरेक्शनल थे थे क्या वो तो बट नहीं थे दे वर नॉट मूविंग इन अ फिक्स डायरेक्शन मतलब वो जो वेरिएशन थे उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था क्लियर तो तभी वो डायरेक्शन लेस हुए इसका मतलब क्या हुआ दे वर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट नॉट ऑप्शन सी क्लियर

करेक्टली मैच करने के बाद करेक्ट ऑप्शन फाइन करना है फ्रॉम दिस बिलो क्लियर चलो अब जल्दी से पहले सारी की सारी स्पीशीज देख लो हमने पढ़ी थी ना एवोल्यूशन ऑफ मैन में ये सारी स्पीशीज कौन कौन से नाम है देखिए There, है. So, देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी वो देखने को मिलती थी में यानी कि नियंडरथलेंसिस में जो कि आज के मॉडर्न मैन से भी ज्यादा थी ओके okay? कितनी ज्यादा थी मैंने बताया था 50 सेंटीमीटर क्यूबिक सबसे ज्यादा आपको यहाँ किसकी ब्रेन साइज कैपेसिटी देखने को मिल रही है देखिए

होमो होमोहेबिलिस में आपको देखने को मिलती थी ये वाली यानी कि 652 800 सेंटीमीटर क्यूबिक और जो होमो इरेक्टस थे उनमें आपको 900 सेंटीमीटर क्यूबिक देखने को मिलती थी तो यानी कि आपका ए मैच किया विद द थ्री तो देखो ए थ्री से मैच कर रहा है बी ऑब्वियसली फोर से कर रहा था सी वन से एंड डी सेकंड से हेंस हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए ही होगा तो देखा आपने अगर आप बेसिक भी एक भी यू नो ब्रेन कैपेसिटी जो कि मेजर थी उसको याद कर लेते हो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू प्रिटेक्ट करॉब अब देखो इस प्रॉब्लम पे हम बढ़े उससे पहले इस चीज को समझो ये क्वेश्चन पहली चीज तो लेंदी है दूसरी बात इसमें आपको यू you नो know, कुछ कुछ यू नो ट्रिकी पार्ट्स देखने को मिलेंगे वील एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है ठीक है आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं क्वेश्चन के उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे चलिए क्वेश्चन बोल रहा है इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस के जी सो एक स्पीशीज में पैदा होने वाले जितने भी न्यू बॉर्न है ना उनका वेट हमेशा दो से पांच किलो के बीच में होता है ठीक है इतनी बात क्लियर ओके okay. अब देखा क्या गया कि 97% ऑफ द न्यू बोर्न विथ एन एवरेज वेट

यू नो लाई कर रहा है इन द रेंज ऑफ टू 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 पॉइंट फाइव के जी या फिर .5 5 ऐसे बच्चे जो है उनमें से नाइन नाइन परसेंट जो बच्चे थे दे टू डाई सो आपसे बोला जा रहा है टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस यहाँ पर आकर कर रही है ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कह रहा है भाई डिसरप्टिव सिलेक्शन ऑप्शन बी साइक्लिकल सिलेक्शन ऑप्शन सी डायरेक्शनल सिलेक्शन या फिर ऑप्शन डी स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन अब देखो इस क्वेश्चन को अब हम एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करते हैं देखो हम यहां पर पहली चीज तो अपने एंड को ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर ये यह ये आपका आपका है और क्लियर अब यहां पर हमारे जो वेट रेंजेस हैं सबसे पहले उनको हम एक्स एक्सेस पे लेने वाले हैं सो लेट अस ट्राई टू प्लॉट देम सो हमें पता है हमारा जो वेट रेंज है वो लाइक कर रहा है नॉर्मली टू टू फाइव के जी इसके बीच में तो यहां पर हम ये हमारा टू के जी यह हमारा थ्री के जी फोर के जी एंड दिस इज माई फाइव के जी क्लियर इतनी बात तो so, यहां पर हमारा वेट रेंज है आपको यहां पर जितने भी वेट्स देखने को मिल रहे हैं दे आर ऑल इन के जी और यहां पर हम लोग इनफेंट्स का परसेंटेज देने वाले हैं तो so, यहां परसेंटेज सर्वाइवल चेक करने वाले हैं ठीक है so, तो यहां पर वील टेक सम वैल्यूज लाइक यहां पर मैंने सीधे फिफ्टी परसेंट ले लिया और यहां पर यह हमारा हंड्रेड परसेंट इतनी बात समझ आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 97% परसेंट ऑफ द न्यू बॉर्न जिनका की वेट जो है वो थ्री से थ्री पॉइंट थ्री के जी के बीच में वो सर्वाइव कर रहे हैं मतलब यहां पर सर्वाइवल कितनों का हो रहा है 99% नाइन परसेंट का Getting this point or not, कहां पर हो रहा है जिनका वेट थ्री से थ्री के जी के बीच में तो 3. 3 यहां पर करना चाहिए है। मैं देता तो जिन बच्चों का वेट थ्री से थ्री पॉइंट थ्री के जी के बीच में है उनका वेट मतलब ऐसे नाइनटी सेवन परसेंट बच्चे जो है दे आर सर्वाइविंग ठीक है थीके? तो अगर मैं इस रेंज को ले लूं यहां पर कुछ इस तरीके से और इस पर्टिकुलर रीजन को भी एक्सटेंड कर दूं, कुछ इस तरीके से तो देखो ये है मेरा so, 97 बच्चों. So, और बाकी जितने भी बच्चे जिनका वेट लाई कर रहा था फ्रॉम 2 टू 2.5 पॉइंट फाइव तो 2.5 पॉइंट फाइव के जी कहां आना चाहिए था वर्ट ओवर तो उसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ पर आना चाहिए मेरा 2.5 जी और 4 से 4.5 जी सॉरी 4.5 टू 5 जी वाले जो बचे थे दे वर डाइंग ओके सो दे वर नॉट अलाइव तो इसका मतलब जो सर्वाइवल था वो कहां से था 2.5 से यहां पर और मैक्स टू मैक्स कहां पर यहां पर दे वर सर्वाइविंग राइट तो ये सर्वाइवल का जो कर्व आ रहा है ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा है बिकॉज़ दो से

विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डॉमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स इन दॉपुलेशन तो बस इतनी से इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यानी कि इस डोमिनेंट की एलि की जो फ्रीक्वेंसी है इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डिफरेंट जो जीनोटाइप हैं कौन कौन से डोमिनंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव जो जीनोटाइप बनेंगे उनके आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रंस को फाइन करना है इन द पॉपुलेशन और आपको यहां पर ये वेरियस ऑप्शन दे रखे हैं टू यू नो गाइड यू तो अब यहां पर इसको हमें सॉल्व करना है एंड यू नो वेरी वेल यहां पर एक्चुअली बात हो रही है किसकी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन की तो यहां पर वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हार्डी वेनबर्ग इक्वेलिब्रियम प्रिंसिपल ठीक है इसका यहां पर एप्लीकेशन होना है

ये स्मॉल है तो इसका मतलब देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी हार्डी वेनवर्क प्रिंसिपल जब पढ़ा था तो हमने कुछ इक्वेशंस लिखी थी अगर आपको याद हो हमने लिखी थी पहली इक्वेशन टू बी एस P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन याद है सभी को ये जो P प्लस क्यू है इनमें से P और Q क्या है P है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील डोमिनेंट so, एलील कितने परसेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेयर कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखनी है तो so, आप सभी को याद है पी की वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस ऑफ डोमिनेंट एलील जो कि हमको दे रखी है डोमिनेंट एलील कैपिटल ए है है ना इसके की जो फ्रीक्वेंसी दैट इज पॉइंट तो इसको अगर हम यहां प्लेस करते हैं आई एम प्लेसिंग इट हियर ओनली बिकॉज आई हैव लेस स्पेस तो यहां पर पी की वैल्यू कितनी हो गई पॉइंट फोर क्यू की वैल्यू मुझे यहीं से फाइंड करनी है कमॉन सो आई विल मेक इट अब मैं क्यू को सब्जेक्ट बनाऊ तो यू नो वेरी वेल जब ये जाके यहां पर जाएगा तो ऑब्वियसली वो माइनस होगा एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी टू भी पॉइंट सिक्स तो क्यू हमारा कितना आ गया पॉइंट सिक्स तो जो रिसेसिव वैल्यू था स्मॉल ए वाला उसके अकरिंग की अक्रिंस uh, की जो फ्रीक्वेंसी है दैट हैज कम टू पॉइंट सिक्स बात इतनी क्लियर हो गई ठीक है। अब अगर मुझे ये तो सिंगल सिंगल कंडीशन है मतलब एक सिंगल क्रोमोजोम पे कौन सा एलील प्रेजेंट है बट यू नो वेरी वेल एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर बिकॉज इंडिविजुअल्स नॉर्मली डिप्लॉइड होते हैं और उनके पास एक क्रोमोजोम नहीं होगा दो क्रोमोजोम्स होंगे राइट right? मतलब एक क्रोमोजोम की हमेशा दो कॉपी होगी अब ये हो सकता है वैरी कर सकता है कि दोनों ही क्रोमोजोम पे हो सकता है ना तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अनदर मैथमेटिकल इक्वेशन हमने वहां पर सोल्व की थी तो कैसे की थी हमने यहाँ पर इस, यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग कर दिया था इसका मतलब अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा ये बन जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वन का होल स्क्वायर। अब ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसका अगर मैं करता यू नो वेरी वेल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इट इज़ पी की वैल्यू पॉइंट फोर है क्यू की वैल्यू पॉइंट सिक्स है एक्चुअली क्या होगा सोचो जल्दी से पी स्क्र एक्चुअली होगा

लेट मी रिमूव दिस प्लस साइन ओवर दिस इज फॉर जस्ट अवर रेफरेंस हाँ इसका मतलब अगर मुझे होमोजाइगस डोमिनेंट फाइंड करना है तो मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी अगर मुझे यहाँ पर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए देखो हेट्रोजाइगस भी फाइंड करना था ना मैं तो उसके लिए मुझे टू पी क्यू की वैल्यू सॉल्व करनी होगी और होमोजाइगस रिसेसिव अगर फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है सोचो तो क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से सॉल्विंग करेंगे तो हमें वेरियस आंसर मिल जाएंगे तो कम ऑन लेट्स ट्राई टू पुट इन द वैल्यूज़ की वैल्यू देखो पी की वैल्यू कितनी थी पॉइंट फोर तो ये हो जाएगा पॉइंट फोर का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया देन उसके बाद हमारे पास है टू पी क्यू टू इंटू पॉइंट फोर इंटू पॉइंट सिक्स के बाद जगह पे क्या रखेंगे हम पॉइंट सिक्स का होल स्क्वायर नाउ सॉल्व करें देखो ये हो जाता है कितना सोचो जल्दी से पॉइंट फोर का स्क्वायर वुड बी पॉइंट वन सिक्स

एसिलोड्यूसो एसिड्स so, तो बच्चों से प्रोड्यूस किया था एक्सपेरमेंट्स के दौरान ठीक है कमॉन ऑप्शन ए सी एच थ्री एनएच टू एन एच थ्री एंड वॉटर पेपर एट सिक्सियसन वी सी एच फोर एच टू एन एच थ्री एंड वाटर वेपर एट एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस

जो स्पार्क है उसके फॉर्म में क्रिएट की थी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स और टेम्परेचर किया गया था फॉर्मुला तो जो कि यहाँ पर गलत दे रखा है ठीक है इट इज नॉट सी एच थ्री इट हैजू बी सी तो आपके पास मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया वर्ड यूज इन द रेशियो देखो मीथेन एंड अमोनिया वर्ड यूज इन द रेशियो टू और टू था वॉज इन रेशियो वन एंड जो वॉटर वेपर थे तो भाई हमें बताना है जो डॉल्फिन और पेंग्विन के स्लिपर्स है वो एक्चुअली किसके एग्जाम्पल्स है आपको अगेन एविडेंस फ्रॉम एनाटोमी एंड मोर्फोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है Okay. से देखते हैं, कौन इसका दे पाता है ऑप्शन ए रेडिएशन ऑप्शन बी एवोल्यूशन कम याद कीजिए यहां पर जो फ्लिपर्स की बात की जा रही है डॉल्फिन केस ऑफ दी पेंग्विंस तो याद करो पेंग्विंस एंड डॉल्फिन बेसिकली क्या है दे आर मेंबर्स द रीजन बींग पेंग्विंस जो है वो बर्ड्स हैं डॉल्फिन मैमल्स हैं राइट इसका मतलब क्या हुआ इनके जो फ्लिपर्स होंगे उनका सेम ओरिजिन नहीं है राइट right? क्योंकि वो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं ना बट सिंस इन दोनों ही टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिमिलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लेस किया टू थ्राइव इन वाटर तो ऐसे में दे विल नीड वॉट नीड फ्लिपर्स टू स्विम तो यहाँ पर टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज जो है दे हैव अडेप्टेड टू द दिनवायरमेंटल कंडीशन बाय परफॉर्मिंग सेम फंक्शन थ्रू सिमिलर स्ट्रक्चर और ऑर्गन इसका मतलब दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ

है ना तो यहां पर फ्लिपर जो है वो दोनों में कॉमन आ रहे हैं टू परफॉर्म सेम फंक्शन दैट इज स्विमिंग तो इसके लिए उन्होंने अपने आप को अपने एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से सिमिलर कंडीशन में एक्सपोज करने की वजह से दोनों ने सिमिलर टाइप ऑफ यू नो अडेप्ट किए जिसकी वजह से दे शो कन्वर्जेंट कन्वल्यूशन करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम नंबर टेन The question says which of the following refer to the correct example or examples of organisms which have evolved due to changes in the environment?

जो स्पीशीज हैं या फिर एग्जांपल्स हैं उनको करेक्टली यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है दैट मींस हमें उन एग्जांपल्स को फाइंड करना है जो कि एग्जांपल्स हैं ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन नॉट नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज़ उस टाइम पर जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है नेचुरल कंडीशंस की वजह से वो नेचुरल सिलेक्शन को लीड करती हैं बट यहां पर

नहीं हुआ ना क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन वेरी इसीलिए करी जब मेन लैंड से ये आइलैंड सेपरेट किए तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो शिफ्ट हुई है चेंज हुई है बट ये सब हुआ है ड्यू टू दी ड्रिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ दी आइलैंड राइट तो ऐसे में क्या होगा मैन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है अब सिंस ये आइलैंड सेपरेट हुआ तो अलग अलग जो जितने भी यू you नो know, 22 आइलैंड्स बने, इन डिफरेंट आइलैंड्स पे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन थी जिसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट फिंचेस थी उन्होंने अपनी ईटिंग you हैबिट्स know, को वेरी किया उसके हिसाब से दे इवाल डिफरेंट तरीके से अलग अलग स्पीशीज बनी तो क्या इसमें कोई मैन का रोल था नहीं था इसका मतलब ये नेचुरली अकर किया था इसलिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड नॉट द आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्लियर तो इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल करेक्ट नहीं होगा देन वी हैव हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है अब रेजिस्टेंट का डेवलप होना क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से हो सकता है उनको उनमें से भी कुछ वीड वराइटीज है अगर हम डार्विन का कॉन्सेप्ट लगाए तो कुछ जो थी वो क्या थी देवर यू नो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और कुछ ऑलरेडी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ना हो सेंसिटिव थी राइट तो वन पहली बार वहां पर जाके हरबी साइड को स्प्रे किया जितने भी वाली वो है तो मर गई बट जितनी भी रेजिस्टेंट वाली स्पीसी थी दे वर एबल टू सरवाइव क्लियर अब ऐसे में कितने जितने भी मेम्बर्स बजे वो कितने है? वो किसके हैं हरबी साइड रेजिस्टेंट वराइटीज के तो ऐसे में अब जो वीड यू नो फ्लरिश करेंगे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मतलब ये एक्चुअली मैन की क्रिएशन है इस वैरायटी का डेवलप होना इस रेजिस्टेंट वैरायटी का डेवलप होना राइट नेचुरल कंडीशन में ये नहीं हुआ मैन ने जब हर्बिसाइड को स्प्रे किया तो जितनी भी वैरायटीज थी वो दे पर रेजिस्टेंट वराइटीज बच गई नाउ दे कैन फ्लरिश एंड डोमनेट ऑन द फील्ड इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन तो ये करेक्ट एग्जाम्पल आर्टिफिशियलशन का हो सकता है क्लियर देन वी है अगर आप किसी भी यू कैरियोटिक या कोई भी सेल ले लीजिए और उनमें भी अगर सेंसिटिव और रेजिस्टेंट स्पीशीज हैं तो आप अगर ड्रग को ट्रीट करोगे सो सेंसिटिव ड्रग सेंसिटिव वाले जितने भी यू कैरियॉर्ट्स हैं दे विल डाई ऑफ

Originally, एक population के कुछ members जाके नए फिकल एरिया पे इनहैबिट करते हैं और वहां पर एक नई पॉपुलेशन को सेटअप करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर ये एग्जाम्पल और इसमें जो रोल प्ले करने वाला फैक्टर है याद है आप सभी को ये बाय चांस अगर करता है जिसमें क्या होगा माइग्रेशन होगा कुछ का फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर क्योंकि कुछ मेंबर्स जो हैं वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से माइग्रेट करके नए जोग्राफिकल एरिया में जाएंगे तो जितने भी नए अब जो पॉपुलेशन डेवलप होगी इन दैट न्यू ज्योग्राफिकल एरिया उनके पास कुछ लिमिटेड सेट ऑफ एलिन आएंगे फ्रॉम दी ओरिजिनल पॉपुलेशन जो कि इनिशियली फाउंडिंग मेंबर लेकर आए थे उस नई जगह पर

So, पहला है अडेप्टिव रेडिएशन अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल याद करो मैंने अपनी कॉन्सेप्ट के में क्या बताया था आपको

Orchids, show करते हैं। मतलब उनका ओरिजिन डिफरेंट होगा भले ही बट उनके फंक्शन सेम है वो कन्वर्जेंट रेवल्यूशन शो करते हैं और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है इनकेस ऑफ द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड दोनों ही अलग स्ट्रक्चर है बट सेम फंक्शन यानी कि फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ओके देन वी हैव डायवर्जेंट रेवल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते थे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये होगा सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वीज डू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बी साइड एंड पेस्टिसाइड्स तो यहां पर क्या होगा डी फर्स्ट से मैच करेगा जो कि अगेन यहां पर दे रखा है आपको बताना है जिसमें जो इंडिविजुअल्स so, well. so, हैं वो ज्यादातर उन वैल्यूज को अटेन करेंगे जो कि मेन कैरेक्टर वैल्यू से अलग होगी राइट right? मतलब वो एक्सट्रीम भी नहीं करेंगे मीन वैल्यू भी नहीं करेंगे अदर देन द मीन वैल्यू राइट तो ऐसे में कौन सा टाइप का नेचुरल सिलेक्शन अकर करेगा सो ऑप्शन है स्टेबिलाई चेंज ऑप्शन बी डायरेक्शनल चेंज ऑप्शन सी डिस्ट्रप्टिव चेंज या ऑप्शन डी रैंडम चेंज कम ऑन याद करो मैंने बताया था अगर मीन कैरेक्टर वैल्यू यहां पर ऑप्टेन करता तो वो कौन सा होना चाहिए था स्टेबिलाईजिंग बट यहां तो बोला जा रहा है अदर देन दी मीन कैरेक्टर वैल्यू तो मीन कैरेक्टर वैल्यू तो नहीं हो सकती है इसका मतलब क्या हुआ इट कैन नॉट बी स्टेबिलाइजिंग टाइप तो ये गलत हो गया राइट देन उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू भी नहीं है कहीं पर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो इसका मतलब इट कुड नॉट बी आल्सो रैंडम चेंज नहीं हो सकता है राइट और यहां पर जो बचा है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्शनल डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आकर करेगा क्यों होगा यू नो वेरी वेल मेन वैल्यू से अलग होने वाली है वैल्यू दैट मींस देखो यहां पर अगर मैं इसको ग्राफ के तौर पर दिखाऊं तो अगर यहां पर सपोज मेरा कोई भी रेंज था 2 से लेकर 10 तक का तो मेन वैल्यू यहां कहीं आनी चाहिए थी 5 की राइट बट हमारी जो वैल्यू आएगी अगर वो मीन आती यहां पर सेंटर में पीक आता तो इसका मतलब वो क्या होता right? है दूसरी पीक यहां पर तो ऐसे में डिस्ट्रप्टिव होता बट यहां पर जो पीक आने वाली है इट इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द मीन वैल्यू तो इसका मतलब क्या होगा या तो यहां हो सकती थी या फिर यहां हो सकती थी कुछ भी हो सकती थी बट एक्सट्रीम नहीं होगी

रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट तो हमसे बोला जा रहा है जो एनोलॉगस की वजह से राइज करते हैं yes, करेक्ट इस so, right? तो मतलब स्टेटमेंट है बट यहां बोला जा रहा है विच वन इज नॉट ट्रू दैट वी हैव टू फाइन मतलब ये तो करेक्ट थी ये ट्रू थी इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा मतलब ये ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन फ्रॉम केस देन उसके बाद बी देखते हैं स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन ऑफ यस स्वीट पोटैटो ओरिजिन में डिफरेंट है राइट right? और पोटैटो भी डिफरेंट है ओरिजिन में बट फंक्शन दोनों का सेम है स्टोरेज का बट याद कीजिए स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट था और पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम बट दोनों का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड और रिजर्व मटेरियल है इसका मतलब क्या हुआ

कि जो फ्लिपर्ड्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट दे आर नॉट सेम इन केस ऑफ देयर ओरिजिन एंड देयर बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है ना तो इसका मतलब दे आर ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स ना कि होमोलॉगस तो ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो हमारी ऑप्शन डी में प्रेजेंट है हेंस ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट इन दिस केस आई होप ये क्वेश्चन समझ आया आया ना तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 15

वो एकदम से आकर करते हैं म्यूटेशन ऑब्वियसली सडनली अराइव करते हैं ना तो ग्रेजुअली तो नहीं हो सकते हैं तो दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय एल्फ्रेड वॉलिस नहीं ये थ्योरी एल्फ्रेड वॉलिस ने नहीं प्रपोज की थी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया था वाइल ही वॉज वर्किंग ऑन यस ओइन थर लिमार कियाना दैट वाज द इवनिंग प्राइम रोज तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज वेरिएशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस तो म्यूटेशन थ्योरी के केस में वेरिएशंस जो राइज करते हैं म्यूटेशंस की वजह से आर दे स्मॉल एंड डायरेक्शनल चेंजेस नो दे आर लार्ज एंड डायरेक्शनलेस याद करो दे वर रैंडम डार्विन के जो वेरिएशन से दोज वर स्मॉल एंड डायरेक्शनल मतलब सी भी यहां पर रॉन्ग ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट होने वाला है इसका मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉज ऑफ स्पीसिएशन यस जिसे हम सोल्टेशन भी बुलाते हैं ना एक सिंगल स्टेप में एक लार्ज स्केल म्यूटेशन हो जिसकी वजह से ऑल टुगेदर एक नई स्पीशीज का जन्म हो उसे हम स्पेसिएशन कहेंगे और वो कॉज कर रहा है यहां पर इन दिस केस म्यूटेशन अंडर द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट इन दिस केस तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 16 जो कि इसी साल नीट 2023 में पूछी गई थी देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है टू सेलेक्ट दी करेक्ट ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एक्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन में सेट ऑफ एनिमल्स दे रखे हैं आपको आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट सेट जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का है जो कि एग्जिबिट करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन अब देखो याद करो कॉन्सेप्ट एड में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी टू आइडेंटिफाई द ऑफ प्लेसेंटल एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स देखो बहुत सिंपल वाली ट्रिक मैंने जो आपको बताई थी वो ये थी कि जितने भी प्लेसेंटल मार्सुपियल्स हैं भी एग्जांपल्स हमें एनसीआर में दे रखे ना प्लेसेंटल उन उनका नाम है इट इज सिंगल वर्ड तो सिंगल वर्ड का नेम है उनके पास बट देर वॉज वन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन वॉज फ्लाइंग स्कोरिल ठीक है सो फ्लाइंग स्क्रेल वॉज वन एक्सेप्शन जिसके पास डबल वर्ड्स प्रेजेंट है यानी कि टू वर्ड्स प्रेजेंट है इन इट्स नेम और वो एक प्लेसेंटल मार्सुपियल है वाइल जितने भी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है उन सभी के पास एटलीस्ट टू वर्ड्स प्रेजेंट है इन इट्स नेम ठीक है तो देर आर टू वर्ड्स देर वॉज ऑल्सो वन एक्सेप्शन ओवर हियर एन एक्सेप्शन वॉज ऑन इट वॉज नम बैड जैसे हम एंड टीटर भी बुलाते हैं ठीक है तो दिस वॉज अनदर एक्सेप्शन इन दिस केस तो आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के करेक्ट सेट को आइडेंटिफाई करना है मतलब आपको देखना है कि कौन कौन से वो नाम है

यस दी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ठीक है तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया अगर एक भी रॉन्ग हो गया तो सेट तो रॉन्ग है ना ऑप्शन ही गलत हो जाएगा फ्लाइंग स्कोरिल भी आप सभी को पता है ये एक सेंट्रल मार्सुपियल है ऑस्ट्रेलियन नहीं इसका मतलब क्या हुआ ये भी रॉन्ग टैसमेनियन टाइगर कैट मिनिमम हमने बोला था दो वर्ड होने चाहिए दो से ज्यादा यहां पर तीन ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल का ये एग्जाम्पल होगा तो ये तो करेक्ट है बच्चों बट बाकी दो करेक्ट गलत है इसकी वजह से यह ऑप्शन एलिमिनेट होगा देन ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया देन वी हैव एज लीमर तो so, देखो लीमर ओवर योर सिंगल वर्ड है दैट मीन्स ये एक प्लेसेंटल मार्सुपियल है एंड टीचर एक सिंगल वर्ड है बट एक्सेप्शनल केस है क्या है ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल तो इसका मतलब ये करेक्ट है देन उसके बाद वुल्फ सिंगल वर्ड है तो इसका मतलब हो गया ये भी प्लेसेंटल है तो ऑल टुगेदर ये सेट ही गलत हो गया देन वी हैव टास्मियन वुल्फ दो वर्ड्स हैं मतलब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है टिक लगा लो बॉब कैट सिंगल वर्ड है मतलब प्लेसेंटल है इसका मतलब कैंसल ठीक है एंड मार्सुपियल मोल दो वर्ड्स हैं इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन है बट सिंगल वाला यहां पर बॉपकट रॉन्ग है ना इसकी वजह से

होमो yes, होमोनियंड्रथल या फिर मैन तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है डेफिनेटली मैन ही यू you नो know, अपनी बॉडी को हाइट्स के थ्रू एनिमल हाइट्स के थ्रू कवर करके रखते थे और साथ ही साथ दे यूज टू बरी देयर डेट्स ओके okay, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा राइट right? तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन फ्रॉम दिस चैप्टर एवोल्यूशन सो आई होप इस चैप्टर के सारे पी वाई की यूज आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्न हो फ्री है पर बेस्ट है